मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने आईफोन सारिफिन के लिए ऐसे दो नए फीचर मुतारफ करवा दिए हैं जिनका सारिफिन को शिद्दत से इंतजार था। नई अपडेट के बाद आईफोन iOS वर्जन 2.21.71 के यूजर्स अपनी चैट में आने वाली तस्वीर को खोले बिना ही देख सकेंगे। इस नए फीचर की बदौलत अब यूजर्स एक स्क्वायर व्यू के बजाय पहले से ज्यादा बड़े और नुमाया तरीके से तस्वीर और वीडियोस का प्रीव्यू देख सकेंगे। व्हाट्सएप की जानिब से आईफोन सारिफिन के लिए मुतारफ करवाया गया दूसरा अहम फीचर डिसअपीयरिंग मैसेजेस का है, जिसका दौरानिया एंड्रॉयड से आईफोन तक बढ़ा दिया गया है। नई अपडेट के बाद ग्रुप में शामिल तमाम अरकान डिसअपीयरिंग मैसेजेस की तरतीबात तब्दील कर सकते हैं। इससे कबल सिर्फ ग्रुप एडमिन को ही इस फीचर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का इख्तियार हासिल था। व्हाट्सएप का डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर यूजर्स को ऐसे पैगाम भेजने की इजाज़त देता है जो 7 दिन बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाते हैं। अगर यूजर 7 दिन तक व्हाट्सएप नहीं खोले तब भी ये पैगाम मुकर्रर मुद्दत के बाद गायब हो जाते हैं। ताहम इन पैगाम का प्रीव्यू नोटिफिकेशन में इस वक्त तक जाहिर होता रहेगा जब तक व्हाट्सएप खोल नहीं जाता। व्हाट्सएप डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर का दौरानिया 7 दिन से कम करके 24 घंटे करने का आजमाइश कर रहा है। सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।